बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आई एम योर इंग्लिश टीचर मिस फाइका। हाउ आर यू ऑल? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एट योर होम्स। एज ड्यू टू कोरोना, यूनिवर्सल हाई स्कूल अरेंज ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, सो क्लास 7th, इट्स ऑल लेक्चर नंबर 39। जैसा कि आप सबको पता है, लेक्चर नंबर 38 में हमने लेसन नंबर 10 कायदा अजम स्टार्ट किया था और हमने पहले दो पैराग्राफ की ट्रांसलेशन की थी। तो आज लेक्चर नंबर 39 में हम पैराग्राफ नंबर 3 और 4 की ट्रांसलेशन करेंगे। सो क्लास 7, ओपन योर इंग्लिश बुक्स, पेज नंबर 113, लेसन नंबर 10, कायदे आजम। सबसे पहले मैं पैराग्राफ नंबर 3 और 4 की रीडिंग कर रही हूँ, देन मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन करके बताऊंगी। सो क्लास, फोकस ऑन योर लेक्चर। पैराग्राफ नंबर 3 देखें। द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वॉज गिवन बाई डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल इन 1930। कायदे आजम वॉज कन्विंस्ड डेट अ सेपरेट मुस्लिम होमलैंड वॉज द ओनली वे टू सेव गार्ड मुस्लिम इंटरेस्ट। एट दैट टाइम क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वॉज अ डिजायर ऑफ एवरी मुस्लिम, एंड जिना इमर्ज एज द लीडर ऑफ द मुस्लिम नेशन ऑन मार्च 22-23, 1940। मुस्लिम लीग पास्ड अ रेजोल्यूशन इन लाहौर टू फॉर्म अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट पाकिस्तान। कायदे आजम फेस्ड अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू अचीव हिज गोल। ही लेड द पाकिस्तान मूवमेंट विद ग्रेट विजडम एंड इंटेलिजेंस। द कांग्रेस एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अल्टीमेटली एग्रीड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान थस इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑन 14th of August 1947। पैराग्राफ नंबर 4 है। कायदे आजम टुक ओथ एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑन 14th of August 1947। ही हैंडल्ड ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ अ न्यूली क्रिएटेड स्टेट विद केयर एंड अथॉरिटी। क्लास, अब पैराग्राफ नंबर 3 और 4 की ये थी रीडिंग। अब पैराग्राफ नंबर 3 की ट्रांसलेशन देखें। द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वॉज गिवन बाई डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल इन 1930। पाकिस्तान का तस्वर 1930 में डॉक्टर मोहम्मद इलामा इकबाल की तरफ से दिया गया। अब डॉक्टर मोहम्मद इलामा इकबाल क्या हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी मखसूस शख्स, मखसूस जगह या मखसूस चीज़ के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब कन्विंस्ड यहाँ पर क्या है? कन्विंस्ड वर्ब है। वर्ब क्या होता है? कोई भी एक्शन वर्ड। नेक्स्ट है, कायदे आजम वॉज कन्विंस्ड डेट अ सेपरेट मुस्लिम होमलैंड वॉज द ओनली वे टू सेव गार्ड मुस्लिम इंटरेस्ट। कायदे आजम इस बात पर कायल हो गए थे कि मुसलमानों की फलाह बहबूद के तहफ्फुज़ के लिए एक अलग मुस्लिम रियासत ही वाहिद रास्ता है। अब देखें, सेपरेट क्या है? सेपरेट यहाँ पर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? किसी भी नाउन की खूबी या खामी को बयान करना एडजेक्टिव कहलाता है। सेफगार्ड तहफ्फुज़, सेफगार्ड भी यहाँ पर नाउन है। नाउन किसी भी चीज़, शख्स या जगह के नाम को कहते हैं, और इंटरेस्ट भी यहाँ पर नाउन है। अब देखें, एट दैट टाइम क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वॉज अ डिज़ायर ऑफ एवरी मुस्लिम, एंड जिना इमर्ज एज द लीडर ऑफ द मुस्लिम नेशन ऑन मार्च 22-23, 1940। मुस्लिम लीग पास अ रेजोल्यूशन इन लाहौर टू फॉर्म अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट पाकिस्तान। इस वक्त एक अलहदा वतन के तौर पर तख्लीक पाकिस्तान ही हर मुसलमान की ख्वाहिश थी, जिना मुसलमान कौम के रहनुमा के तौर पर उभरे थे, और 22 और 23 मार्च 1940 को एक अलहदा मुस्लिम रियासत की तश्कील के लिए लाहौर में मुस्लिम लीग ने एक करारदाद मंजूर की। अब इमर्ज क्या है? इमर्ज भी यहाँ पर वर्ब है। और डिज़ायर क्या है? डिज़ायर भी यहाँ पर वर्ब है। इमर्ज का मीनिंग है उभरा, डिज़ायर का मीनिंग है ख्वाहिश। नेक्स्ट है, ही लेट कायदे आजम फेस्ड अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू अचीव हिज गोल। कायदे आजम ने अपने मकसद को पाने के लिए एक ताकतवर मुखालफत का सामना किया। अब ऑपोजिशन का मीनिंग क्या है? मुखालफत, और ऑपोजिशन भी यहाँ पर नाउन है, अचीव यहाँ पर है वर्ब। नेक्स्ट है, ही लेड द पाकिस्तान मूवमेंट विद ग्रेट विजडम एंड इंटेलिजेंस। आपने तहरीक पाकिस्तान की बड़ी अकलमंदी और जहानत के साथ रहनुमाई की। इंटेलिजेंस और विजडम दोनों यहाँ पर नाउन है। नेक्स्ट है, द कांग्रेस एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अल्टीमेटली एग्रीड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। कांग्रेस और बरतानवी अंग्रेज हुकूमत आखिरकार इंडिया की तकसीम पर राजी हो गई। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है। नेक्स्ट क्या है, पाकिस्तान थस इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑन 14th of August 1947। इसी तरह पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को एक आज़ाद रियासत के तौर पर
रोनुमा हुआ, इमर्ज भी यहाँ पर वर्ब है। पैराग्राफ नंबर 4 है, कायद अजम टुक ओथ एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑन 14th of August 1947। कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के तौर पर हल्फ उठाया। ही हैंडल्ड ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ अ न्यूली क्रिएटेड स्टेट विद केयर एंड अथॉरिटी। आपने एक नई मुमलिकत के तमाम मसाइल को बड़ी एहतियात और इख्तियार के साथ अपने हाथ में लिया। हैंडल्ड भी यहाँ पर नाउन है और क्रिएटेड यहाँ पर वर्ब है। तो क्लास ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 39 के पैराग्राफ नंबर 3 और 4 की ट्रांसलेशन। आप लोगों का आज का होमवर्क ये है कि आपने पैराग्राफ नंबर 4 की ट्रांसलेशन अपनी कॉपी पे लिखनी है और आप लोगों को जितने वर्ड्स मीनिंग और ग्रामर वर्क बताया है वो आपने अपने बुक पे नोट डाउन करना है और आपने इन दोनों पैराग्राफ को के ट्रांसलेशन को अच्छी तरीके से याद करना है। अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं समझ आती अपने इंचार्ज से कहें, वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगी, देन आई विल गाइड यू। इंशाल्लाह इन लेक्चर नंबर 40 में आपको पैराग्राफ नंबर 5 की ट्रांसलेशन करवाऊंगी। सो क्लास 7, स्टे सेफ, stay healthy and remember us in your prayers. Allah Hafiz.